अब तक कई राजनीतिक दलों के रणनीतिक सलाहकार की भूमिका निभा चुके प्रशांत किशोर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इसके संकेत मिलते हैं 10 जनपद पर आज उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से होने वाली मुलाकात से। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर सोनिया से मिलने उनके आवास पहुंचे। यहां कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि किशोर बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान करेंगे। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह और अजय माकन जैसे बड़े नेता शामिल थे। पिछले कुछ दिनों से अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर को गुजरात चुनाव में कांग्रेस बड़ी भूमिका दे सकती है। इससे पहले एक इंटरव्यू में खुद प्रशांत ने मई में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान करने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की टीम गुजरात में सर्वे भी कर रही है। इस बैठक से पहले प्रशांत किशोर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिल चुके हैं। पंजाब चुनाव से पहले भी प्रशांत किशोर की कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ कई मुलाकातें हुई थी। इस दौरान उनके कांग्रेस से जुड़ने की चर्चाएं भी तेज हुई थी। हालांकि किशोर और कांग्रेस में बात नहीं बनी। क्या गुजरात चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ेंगे? ऐसा लगता है कि इसे लेकर राज्य यूनिट में पूरी तरह से भ्रम की स्थिति है। कई नेताओं का कहना है कि पार्टी पहले से ही ग्रामीण इलाकों में मजबूत है और पीके शहरी क्षेत्रों में ज्यादा फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ है। पार्टी आलाकमान को संदेश भेजा गया है कि किसी निर्णय पर पहुंचने में और देरी की तो पार्टी की रणनीति प्रभावित होगी। गुजरात कांग्रेस के एक नेता ने कहा, किशोर गुजरात में कांग्रेस के लिए ज्यादा फर्क नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का गढ़ है और यहां तक कि नेता भी जानते हैं कि शहरी इलाकों में भाजपा को हराना मुश्किल है, तो क्या फायदा है किशोर को बोर्ड में लाने के लिए इतना पैसा खर्च करने का? इसे प्रचार और अन्य गतिविधियों के लिए उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए, इससे पार्टी को फायदा होगा। कई नेताओं ने जोर देकर कहा कि किशोर पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। पार्टी का एक समूह किशोर के शामिल होने का समर्थन करता है। पार्टी के इस धड़े का कहना है कि अगर वो आएंगे तो हम जीतेंगे। इस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ रही हैं। निर्णय लेने में देरी का मतलब है कि ये उन जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराएगा जिनकी उम्मीदें इस तरह की धारणाओं से बढ़ी हैं। इन सब के बाद अब कांग्रेस अपने आप को संगठित और मजबूत करने में जुट गई है। अपने आप को वर्चस्व में रखने के लिए कांग्रेस अब आगे के चुनाव के लिए जुट गई है। गौरतलब है कि इस साल के अंत में भाजपा के सामने गुजरात और हिमाचल प्रदेश को बचाने की बड़ी चुनौती होगी। दोनों ही राज्यों में उसके सामने कांग्रेस टक्कर में नजर आएगी। ऐसे में सोनिया और राहुल इन दोनों ही राज्यों में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे। देखना यह भी होगा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में भारी जीत के बाद गुजरात और हिमाचल में मुकाबला टक्कर का होने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।